हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी अपने लिविंग रूम की प्लानिंग के बारे में कि हमने कैसे करके लिविंग रूम को प्लान किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वहां पे हमारा मेन एंट्रेंस डोर है, तो जब आप एंटर होते हो तो आपको लिविंग रूम की व्यू कुछ इस तरीके से आती है। ये एरिया लिविंग एरिया है और उसके बाद में डाइनिंग एरिया है। हमने लिविंग और डाइनिंग को सेपरेट करने के लिए एक फॉल्स पार्टीशन बनाया है ताकि एक फीलिंग आए कि ये पार्टीशन है और ये सेपरेटेड एरिया है। यहाँ पे एक निश था एक्चुअली, जो कि पिलर और वॉल के, क्योंकि पिलर और वॉल की जो साइज़ होती है ब्रिक्स की वो अलग अलग होती है, उसकी वजह से यहाँ पे एक निश बन गया था और उसको हमने ये वुडन पट्टे से कवर किया है ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे और कहीं ना कहीं ये हमारे पार्टीशन से भी बिल्कुल मैच हो जाती है, इस वजह से हमने ऐसा बनाया है। और इस तरफ है टीवी यूनिट और यहाँ पे हमने दो तीन लेजेस दिए हैं आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए। और यहाँ पे हमने बनाया है यूनिक सा एक हैश का डिज़ाइन, जिसकी वजह से टीवी यूनिट बहुत अपीलिंग लगती है। नीचे में एक पूरा काउंटर है जहाँ पे हम टाटा स्काई वगैरह रख सकते हैं और ऊपर में एक फॉल्स वुडन भी हमने POP बनवाया है जिसमें हम फैन हैंग करेंगे। और ये वाली जो आप वॉल देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक में फ़ोटो फ्रेम्स आने वाले हैं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो फ्रेम्स, जो कि बहुत सुंदर लुक देंगे इस रूम को। और ये जो आप वॉल देख रहे हैं, इस पे हम ये वाला पेंट करवाने वाले हैं। ये पेंट करवाने के बाद में ये वॉल और भी सुंदर दिखेगा। साथ ही जो ये खाली स्पेस आप देख रहे हैं, करीबन करीबन ये 12 फीट की खाली जगह है, यहाँ पे हम दो मिरर लगा रहे हैं। एक मिरर यहाँ पे आएगा, 2.5 फीट चौड़ा आएगा और 7 फीट लंबा, एक मिरर इस तरफ आएगा। और बीच का जो एरिया है वहाँ पे हम लोग एक पेंटिंग हैंग करने वाले हैं, कैनवास पेंटिंग, जो कि 6 फीट लंबी है और 4 फीट हाइट में है उसकी, ठीक सोफ़ा के ऊपर। तो दो मिरर आ जाएंगे, एक पेंटिंग आ जाएगी, यहाँ पे एक कॉर्नर टेबल आएगा, उसके ऊपर एक टेबल लैम्प आ जाएगा, यहाँ पे एक 3 सीटर सोफ़ा आएगा और यहाँ पे एक सिंगल सीटर सोफ़ा आ जाएगा। यहाँ नीचे कारपेट आ जाएगी और ये एरिया में एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर एक्सेंट चेयर आ जाएगा। तो ये एरिया काफ़ी सुंदर दिखेगा साथ में फॉल्स पार्टीशन और POP के साथ में। इसको डेकोर करने के लिए ऑब्वियसली हम कुछ आर्टिफैक्ट्स और कुछ पेंटिंग का इस्तेमाल करेंगे और बीच में TV आ जाएगा। TV हमने वॉल हैंगिंग TV नहीं रखा है, हमने यहाँ पे TV को स्टैंड पे रखना है और TV हमारा 50 इंच का LED TV है, वो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला एरिया को डिज़ाइन करने का सोचा है। आई होप जब ये बन जाए पेंट के बाद और अच्छा लगेगा। ये वाली जो कलर आप देख रहे हैं, इससे थोड़ी सी डार्कर वर्जन है, एक दो शेड ऊपर है। ये कलर जो है वो टीवी यूनिट वाले वॉल पे आने वाली है और जो ये लाइट कलर है ये इस वॉल पे पूरे डाइनिंग एरिया के इधर पे, इस वाले वॉल पे, इधर पे और ये वाला पोर्शन पे भी पूरा ये वाली लाइट आने वाली है। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि मैं इस एरिया में क्या करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कंसोल टेबल बनाया है जो कहीं ना कहीं हैश की तरह स्लैंटिंग बनाया है। ये एरिया पूरा पेंट हो जाएगा। यहाँ नीचे मैंने एक स्विच, एक लाइट का प्रोविजन, स्विच पोर्ट्स भी दिया है जो कि हिडन है। इसके ऊपर में एक बहुत सुंदर सा मिरर का फ्रेम हम रखने वाले हैं जो कि 3 फीट लेंथ में है और 4 फीट चौड़ा उसकी हाइट है। यहाँ पे एक लाइट फिटिंग्स आ जाएगी और फिर ये एरिया अच्छे से डेकोर हो जाएगा, कुछ प्लांट्स लगा के बहुत सुंदर दिखने वाला है। यहाँ से आप कॉमन बाथरूम जाते हैं, यहाँ से आप गेस्ट बेडरूम जाते हैं और यहाँ हमने ये कंसोल बनाया है, फिर ये एरिया है, स्पेस खाली रहेगी। तो इस तरीके से हमने इन दोनों एरिया की प्लानिंग कर ली है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि फॉयर को हमने किस तरीके से सजाने का प्लान किया है। यहाँ पे हमने एक लंबा सा शू रैक दिया है जो कि एंड टू एंड वॉल पे जा रहा है, आप देख सकते हैं। स्लैंटिंग इसमें हमने कॉलम्स दी है शू रखने के लिए और यहाँ पे एक स्विच पॉइंट दिया है, कुछ भी अगर लाइट्स वगैरह रखनी हो। ये वॉल पूरा डार्क ग्रे पेंट हो जाएगा और यहाँ पे भी बहुत सुंदर से हम लोग आर्टिफैक्ट्स रखेंगे और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी बुद्धा की पेंटिंग आ जाएगी। इस वाले विंडो पे एक रोमन कर्टेन आ जाएगा, यहाँ पे एक छोटी सी एक बेंच आ जाएगी शू पहनने के लिए। और इस तरीके से यहाँ पे भी हमने वुडन फॉल सीलिंग करवाई है जहाँ पे दो एग्जिस्टिंग अभी ये लाइट आप देख सकते हैं। सेंटर से हम लोग यहाँ पे एक एडिशन बल्ब्स की शैंडलियर है उसको हैंग करने वाले हैं जो एक बहुत सुंदर सा लुक देगा इस रूम को। तो इस तरीके से फॉयर, लिविंग और वो एरिया हमने डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डाइनिंग एरिया और मास्टर बेडरूम
को हमने कैसे डिज़ाइन किया और बाथरूम्स के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की हुई है। तब तक के लिए बाय बाय।